भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा में विवाद किसी से छुपा नहीं है और अब इसका एक और बड़ा उदाहरण मिल गया है। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय टीम के पूर्व चीफ सिलेक्टर बता रहे हैं कि उन्होंने और विराट कोहली ने रोहित शर्मा की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को टीम इंडिया का अगला कप्तान बनाने का फैसला किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर सारा माजरा क्या है और किस खिलाड़ी को अगला कप्तान बनाए जाने की प्लानिंग चल रही थी। पूर्व मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने बताया कि उन्होंने और विराट कोहली ने अगले कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को तैयार किया था। इसके लिए उन्हें इंडिया ए के कप्तान के रूप में लगभग 10 सीरीज में कप्तानी कराई गई थी और वो सभी से आगे थे। इस वजह से दोनों उन्हें कप्तान बनाना चाह रहे थे, लेकिन तब अय्यर को चोट लग गई जिस वजह से सारी योजनाएं बर्बाद हो गई। इसके बाद साल 2022 में बोर्ड को रोहित शर्मा को कप्तान बनाना पड़ा, जो कि विराट कभी नहीं चाहते थे। बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा चुका है कि जब विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान थे और उप कप्तान पद की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के कंधों पर थी, तब वो उन्हें उप कप्तान पद से हटाना चाहते थे ताकि भविष्य में उन्हें कप्तान नहीं बनाया जा पाए। खबरों की माने तो उस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर काफी मतभेद था, जिस वजह से उन्होंने ऐसा फैसला किया था। मालूम हो कि साल 2022 में जब BCCI ने रोहित शर्मा को फुल टाइम कप्तान बनाया था, तब भी विराट काफी नाखुश थे और उन्होंने मीडिया में आकर भी इसको लेकर काफी कुछ कहा था। हालांकि अब दोनों के बीच ऐसा कोई विवाद देखने को नहीं मिलता है और दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। इस समय दोनों के ऊपर T20 वर्ल्ड कप जिताने की जिम्मेदारी है।